फिर जो चुनाव हो रहे पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, अगर हरियाणा को छोड़ दिया हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, उसमें क्या कहना है? नहीं, लोग इनके खिलाफ हैं। यहाँ इलाहाबाद की बात आप अलग है क्योंकि वो सिटिंग MLA थे, दूसरी बात है। लेकिन ये लगता है कि भाजपा जो है अपना जो ग्राउंड से खिसक चुकी है। तो इन चुनावों में किसान आंदोलन का कितना असर देख रहे हैं? ये जो चुनाव अभी हैं इलाहाबाद की, अगर हम प्रदेश की बात करें तो किसान आंदोलन का कितना असर मानते हैं आप? नहीं, आंदोलन तो किसान स्वयं कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी उसका नेतृत्व नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है किसान के हित के नहीं है। और इसी वास्ते हमने बार बार कहा भाई अब समय आ गया है, बहुत लंबा इनको हुआ है, इनसे बातचीत वार्तालाप शुरू करके और इसका सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए सरकार। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। ऐसा है, विपक्ष बोलने लग रहा है और क्या, रोज बोल रहे हैं। तन्ना ना सुनता हो तो मैं क्या करूं भाई, रोज ज्ञापन दिया है। कोरोना काल में कोई हजारों के तो हो नहीं सकता है, उनको मानना पड़ता प्रोटोकॉल को। और MLA ने धरना दिया हर जगह दिया है, पूरे देश में दिया है, ये पूरे विपक्ष ने जहाँ पे भी है, जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं चाहे बंगाल में है, जो सब इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार ना सुनती है ना बोलती है। भाई एक है, जब छोटे से थे जब ये सुना करते हम कि आने चलते थे उस टाइम, तो जैसे आगे लगती ना रेडी कोई, तो कहते हर माल मिलेगा चार आने, हर माल मिलेगा चार आने। तो रोज़ अखबार उठाओगे, हर रोज़ बढ़ेगा 35 पैसे पेट्रोल डीजल, 35 पैसे रोज़ बढ़ता है। और ये कमाई का साधन बना लिया। मतलब जब UPA सरकार थी, हमारी सरकार थी, तो डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी देते थे लाखों करोड़ों के लिए, ताकि आम आदमी बोझ ना पड़े। और ये मेरे ख्याल में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा कमाई कर चुकी है सरकार इसमें। और यही कारण है आज महंगाई चरम सीमा पर है,